हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था, पिछले वीडियो में हमने क्लास के बारे में देख लिया था पूरे अच्छे से, उसका हम प्रैक्टिकल भी देख लिए थे। और अब यहाँ पे हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे एक कदम और देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। तो हमने पहले ही बोला था क्या, डेफिनेशन जैसा है वैसा ही रख लीजिएगा, ठीक है, समझ के रख लीजिएगा, पहले समझ लेते हैं उसके बाद आप रख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसके बारे में लिखा गया है, ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंट ऑफ ए क्लास, एक क्लास का क्या है, एक इंस्टेंट है। और इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एंटिटी और थिंग दैट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट प्रोवाइडेड बाय द क्लास। क्लास क्या हमारा क्या रहता है, क्लास मेरा एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, तो उसके बेसिस पे मेरा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है। तो क्या होता है यहाँ पे लिखा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंट ऑफ क्लास, इट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एंटिटी और थिंग दैट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट प्रोवाइडेड बाय क्लास। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एक समझते हैं, आप पहले एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में जैसा लिया था वही क्लास बनाएंगे ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो हम पहले क्लास बना लेते हैं, तो ऊपर में आप हैशटैग आयु जो भी इंक्लूड है, इंक्लूड आयु स्ट्रीम लिख सकते हैं, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाते हैं, तो क्लास बनाने के लिए क्लास का आपको सिंटैक्स आना चाहिए। पहले हम सबसे पहले क्लास लिखते हैं, क्लास लिखे उसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम हम एक स्टूडेंट लिख देते हैं, तो STU लिख देते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। और यहाँ पे आओ, इसमें जो भी वेरिएबल देना वो देंगे हम, इसको पब्लिक यहाँ पे लेके चलते हैं, अभी के लिए पब्लिक लेके चलते हैं। इसका जब हम प्रॉपर आएगा स्पेसिफिक फायर के बारे में तब वहाँ पे हम समझ लेंगे क्या होता है वो सब, लेकिन अभी बस पब्लिक लिख देते हैं, बस अभी समझ लीजिए। हाँ, पब्लिक लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे तीन चीज़ लिख सकते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, तभी हम यहाँ पे पब्लिक लिख के चलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, नेम लेने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, इंट, ये आपको आना चाहिए, पिछले वीडियो में ये किया था इसलिए जल्दी जल्दी लिख ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। एक फंक्शन भी ले लेते हैं जो डिस्प्ले करवाएगा, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाने के लिए फंक्शन ले लेते हैं, वाइड डिस्प्ले और एक फंक्शन ले लिया, उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा क्लास हो गया है, क्लास डिक्लेयर कर दिए। तो क्लास क्या बोला जाए, अब जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बोला जाता है किसको, क्लास के जो हमारा ये ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट जो हमको प्रोवाइड कर रहा है उसके बेस पे क्या होता है, मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो वही लिखा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंट ऑफ क्लास, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये क्लास का इंस्टेंट रहेगा। इट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक एंटिटी और थिंग दैट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट प्रोवाइड बाई क्लास। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वही कॉलेज वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कॉलेज में आपका क्लास चल रहा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं पर घस देते हैं, ये मेरा क्या है, क्लासरूम है, इसमें क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है, ठीक है, क्लास चल रहा है, ये मेरा क्या है, पूरा क्लास चल रहा है। तो क्लास जब चल रहा है तो यहाँ पे जो भी मेरा ये है, ये तो मेरा क्या है, क्लास है, ये मेरा पूरा क्लास है, ये क्लास को मान लीजिए ये पूरा क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मेरा एक एक स्टूडेंट क्या है, एक एक ऑब्जेक्ट है, एक एक इंस्टेंट है, किसका, इस क्लास का एक एक हिस्सा है, कौन, ये स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, ये पहला इंस्टेंट हो गया, ये दूसरा इंस्टेंट हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, एक एक स्टूडेंट क्या है, एक एक इंस्टेंट है। तो वही बोला जा रहा है, क्लास का जो भी मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक एक इंस्टेंट रहेगा, एंड ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंट ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे एक स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट, और ये पूरा क्लास का क्या है, ये इंस्टेंट है। इट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एंटिटी, एक एक स्टूडेंट को स्पेसिफाई कर रहा है, ये पूरा क्लास कैसे बना है, एक एक स्टूडेंट को लेके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है वो, तो ये स्पेसिफिक एंटिटी हो गया वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और थिंग कोई चीज़ भी हो सकता है, दैट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन ब्लू प्रिंट, ये किस प्रकार से क्रिएट हुआ है, जिस प्रकार से ये क्लास बना हुआ है उस प्रकार से, यहाँ पे ये हो रहा है, और कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लास ये प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे जाकर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं आएगा तो इससे हम रिलेट करते हैं, वहाँ पे समझ में आ जाएगा, कोई ना कोई एग्जांपल से तो क्लियर हो ही जाएगा। ओके, तो इसको पूछ देते हैं, अब यहाँ पे आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया, रख लीजिएगा, समझ में आए ना आए रख लीजिएगा, ठीक है, वैसे समझ में आ ही जाएगा, जब यहाँ पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी डेफिनेशन नहीं आएगा कोई बात नहीं, जब यहाँ पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे आगे क्या लिखा गया, कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट है। तो क्या पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, एक स्टूडेंट क्या था, रियल था,
एक एक स्टूडेंट डिटेल था, स्टूडेंट का ही नहीं कोई भी चीज़ का क्लास हो सकता है। जैसे आप कार का क्लास बनाएंगे तो ट्रक हो गया, टायर हो गया, व्हील हो गया, सब रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्टेट एंड बिहेवियर, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका एक बिहेवियर रहेगा। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट स्टेट इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर इंस्टेंट। पार्टिकुलर इंस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ है, जो भी हम यहाँ पे मान लेते हैं स्टूडेंट वन, तो स्टूडेंट वन का भी क्या होगा, पार्टिकुलर नाम होगा, पार्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। स्टूडेंट टू का भी क्या होगा, पार्टिकुलर नाम होगा, पार्टिकुलर उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा होगा, सभी स्टूडेंट का एक एक चीज़ रहेगा। ऑब्जेक्ट रहेगा वो मेरा क्या करेगा, फिजिकल जो स्पेस होता है, मेमोरी होता है, वो ऑक्यूपाई करेगा। क्लास मेरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है नोट पॉइंट में, ये तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो आप सी इन में यूज करते होंगे, सी इन लिखते हैं उसके बाद ऐसे ऐसे एंगल ब्रैकेट देते हैं, तो ये एंगल ब्रैकेट का नाम होता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, बस याद रखिएगा नॉलेज के लिए। और सी आउट जब आप लिखते होंगे तो सी आउट में ऐसे ऐसे डंडी लिखते हैं ना दो एंगल ब्रैकेट, उसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है, टू एक्सेस द पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास यूज डॉट ऑपरेटर। पब्लिक मेंबर जो भी मेरा रहेगा क्लास का, उसको हम एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको क्लास वाला लेक्चर में लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टू एक्सेस पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास यूज डॉट ऑपरेटर कैसे करना है, अभी हम यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे। डॉट ऑपरेटर यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। और इसको जो यहाँ पे देखिएगा दो यहाँ पे डंडी टाइप का दिया गया है इस टाइप का, इसको बोलते हैं स्कोप रेजुलेशन, इसको बोलते हैं स्कोप रेजुलेशन। स्कोप रेजुलेशन क्या करता है, जो भी उसके स्कोप में रहेगा वो बताएगा। ठीक है, स्कोप को यहाँ पे रिजॉल्व करेगा। तो ये इतना चाहिए अभी ऑब्जेक्ट के बारे में याद रखिए। अब चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही ईजी है, क्या है, हम क्लास नेम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का जो भी नाम देना वो दे देंगे। तो यहाँ पे चलिए ये एग्जांपल आपको क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं हम। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन लिखते हैं। तो मेन फंक्शन में आते हैं, अब मेन इंट मेन या फिर वॉइड मेन जो भी देना होगा दे दीजिएगा। इंट मेन, अब यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम लिखना है, तो क्लास नेम मेरा क्या है, एसटीयू। तो एसटीयू एसटीयू ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट वन दे देते हैं, एस वन दे दिया हमने, एस वन दे दिया। तो इसका क्या हुआ, अब इससे एस वन ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया, एस वन ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये मेरा एस वन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट एस वन मेरा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे बना दीजिएगा, एस टी यू फिर से क्लास नेम और यहाँ पे स्टूडेंट टू दे देते हैं, तो यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जितना ही आपको चाहिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया होगा ऑब्जेक्ट एस टू क्रिएट हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो ये क्या करेगा, मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब ये जो S2 जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये हो गया मेरा, ये मेरा S1 हो गया। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसका एक ब्लॉक क्रिएट होगा, S1 हो गया, क्रिएट हो गया। अब S1 जैसे ही क्रिएट होगा तो S1 कौन सा क्लास से आया था, STU से। STU क्लास कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो STU क्लास में कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, तो स्ट्रिंग नेम, तो यहाँ पे नेम आएगा। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उसके बाद क्या है, डिस्प्ले फंक्शन है, तो डिस्प्ले फंक्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू रहेगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। S1 के लिए यह हो गया। जैसे ही हमने S2 क्रिएट किया तो S2 के लिए भी क्या होगा, एक डब्बा बनेगा S2 का डब्बा बना। S2 में भी कौन सा क्लास से आया है, तो STU क्लास से आया। S2 की क्लास कहाँ है, यहाँ पे। इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, तो नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, डिस्प्ले है। तो जितना भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, उस समय ये सब जाएगा, उस समय क्या होगा, ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा कुछ चला गया। तब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम एक और चीज़ लिखे हैं, क्या, मैं पब्लिक मेमोरी को हम यूज़ कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर से उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेस करना चाहते हैं, अब किसको, हम S1 के किसको एक्सेस करना चाहते हैं, नेम को। तो कैसे करेंगे, कुछ इस प्रकार से करेंगे, देखिएगा, S1 लिख दिए, S1 में किसको, नेम को। तो किसको, नेम को, यहाँ पे डॉट लिखेंगे, डॉट किसको, आप नेम को। तो यहाँ पे S1 डॉट नेम से कहने का मतलब क्या हुआ, ये S1 का नेम इक्वल टू ये, इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू हम मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू देते हैं, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हम कैसे देते हैं, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग को हम कुछ भी कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम KKS इसमें दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, S1 के नेम में क्या आ जाएगा, KKS। S1 के नेम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डॉट लगाना मत भूलिएगा। डॉट से हम क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक मेंबर है, इसका पब्लिक मेंबर, इसलिए हम डॉट लगा के एक्सेस कर ले रहे हैं। पब्लिक नहीं रहेगा तो एरर दे देगा।
ठीक है। तो एस वन के नेम में हम क्या दे रहे हैं वैल्यू, के केस दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा एस वन में के केस चला जाएगा, के केस चला गया ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर को भी एक्सेस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार से करेंगे एस वन डॉट एस वन में किस कोड रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो आर ई जी, इसको एक्सेस कर लिया। अब इसमें हम वैल्यू को, ये आप क्या हो गया, ये एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का ये वैल्यू हो गया, वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल में कुछ भी दे देते हैं, मान लेते हैं 38, तो यहाँ पे हम 38 दे देते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मेरा 38 आ जाएगा, इसमें मेरा क्या आ गया 38 आ गया। सेम उसी प्रकार से हम क्या करना चाहते हैं एस टू में अब आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने एक और चीज़ बताया था, क्या क्लास को जो नाम होता है, क्लास का नाम होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाता है, डाटा टाइप हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लग रहा है, ऐसे देखिए कभी कभी देखेंगे क्या, हम लिखते हैं इंट ए, इंट ए लिखते हैं तो ए वेरिएबल बन जाता है, तो ए का एक डब्बा बन जाता है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो वैसे ही ये देखिएगा क्या है डाटा टाइप, तो ये मेरा क्या है एस टी यू डाटा टाइप, एक मेरा क्या हो गया वेरिएबल हो गया। तो इसी को ना ऐसे लिखे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं ना, ये मेरा क्या हो गया डाटा टाइप। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का जो नाम है ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो रहा है डाटा टाइप का जैसा काम कर रहा है ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रिलेट कर पाएंगे आप, एस वन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो एस वन यहाँ पे डब्बा बन गया, ए यहाँ पे वेरिएबल है तो ए का डब्बा बन गया ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर लीजिएगा, सेम आप एस टू के लिए दोनों काम करिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एस टू के लिए करना चाहते थे, एस वन एस टू डॉट एस टू में किसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, नाम को, एस टू में किसको नाम करना एक्सेस नाम को, तो एस टू डॉट नेम, इसको मान लेते हैं क्या 37 दे देते हैं, 37 दे देते हैं, सॉरी नेम देना है ना, तो नेम यहाँ पे मान लेते हैं सी एस सी दे देते हैं, नेम सी एस सी, नेम तो देना है कुछ भी दे देते हैं, सी एस सी दे दिए। अब फिर से हम रजिस्ट्रेशन नंबर को एक्सेस करना चाहेंगे तो एस टू डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ जैसे ही सी एस सी दिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी एस सी। वैसे ही यहाँ पे मान लेते हैं क्या रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, तो रजिस्ट्रेशन मान लेते हैं 37, तो 37 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 37 आ जाएगा। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं इनिशियलाइज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें वैल्यू दे रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं। अब इसको हमको डिस्प्ले करवाना होगा तो कैसे डिस्प्ले करवाना हो, इनपुट देना, कुछ भी करना हो ना, अब जब भी आपको प्रिंट करवाना हो, अगर सिंपल आपको ए प्रिंट करना चाहता था क्या लिखते थे सी आउट ए लिखते थे, सिंपल आपको अगर आपको ए को प्रिंट करना था तो सी आउट लिखते थे, वैसे ही हमको क्या करना है अब इसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है पूरा को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या सी आउट और यहाँ पे लिखेंगे एस वन डॉट नेम, एस वन डॉट नेम, वैसे हमको एस टू को प्रिंट करवाना होगा तो एस टू डॉट नेम लिखेंगे ठीक है। अगर जहाँ भी आपको आप एस वन का नाम चाहिए होगा तो एस वन डॉट नेम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एस वन एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का क्या है नेम क्या है एक क्या है डाटा है, तो इसलिए हम एस वन डॉट नेम लिखेंगे ठीक है। क्लियर हुआ इतना चीज़, ये सब क्या है ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं। आप यहाँ पे सी आउट कर लीजिएगा, तो चलिए हम सी आउट करके भी दिखते थे सी आउट और यहाँ पे हम क्या है एस वन का नाम प्रिंट करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे डबल कोट में एस वन का नाम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, हम सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं एस वन डॉट नेम, ये हो गया प्रिंट। और यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रिंट करवा देते हैं एस वन डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे इंडेलन लिख दीजिएगा ठीक है। अब एस टू के लिए करते हैं तो सी आउट एस टू डॉट नेम एस टू डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर और इंडिया लाइन लिख दीजिएगा और ये मेरा रिटर्न जीरो करके अपना ख़त्म कर लीजिएगा। तो ये मेरा क्या हो गया एक ऑब्जेक्ट बना लिए, क्लास बना लिए, क्लास बना लिए उसके बेस पे हम ऑब्जेक्ट बना लीजिए, उसके डायग्राम भी उसे भी हमने समझ लिया है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे एस वन नेम प्रिंट करवाएं तो क्या होगा एस वन में किसके पास नेम के पास जाएगा, तो एस वन मेरा कौन है ये एस वन में नेम के पास जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू है के केस, तो यहाँ पे के केस प्रिंट कर देगा ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा एस वन में किसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर के पास क्या है वैल्यू 38, तो यहाँ पे 38 प्रिंट कर देगा। सेम यहाँ पे आएगा एस टू में किसके पास नेम के पास तो यहाँ पे सी एस सी प्रिंट कर देगा। फिर आगे जाएगा एस टू में किसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर के पास तो यहाँ पे 37 प्रिंट कर देगा ठीक है, प्रिंट कर देगा। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एग्जाम्पल हुआ क्लास और ऑब्जेक्ट का। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया, फिर से यहाँ पे रिपीट कर देते हैं एक बार। हमने क्लास बनाया, क्लास बनाने के बाद क्या किया है, ये क्लास बनाने तो आपको आया ही होगा, पहले ही इसको हम डिस्कस कर लें अच्छे से। क्लास बना लिए, क्लास बनाने के बाद इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक ऑब्जेक्ट नहीं हम दो ऑब्जेक्ट लेके चले हैं, ताकि एक में आपको कन्फ्यूजन होगा तो दो में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दो ऑब्जेक्ट लेने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उसका जो भी मेंबर है, ऑब्जेक्ट का जो भी मेंबर है उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं। वैल्यू सप्लाई करने के बाद क्या करें, ऐसे समझिए ना, यहाँ पे हम एक क्लास है, एक पूरा क्लास है, क्लास में मेरा क्या है बहुत सारा स्टूडेंट है, तो बहुत सारा स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट को उठाएं, उसका नाम उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिए जितना है तुम्हारा ठीक है, नाम और स्टूडेंट नंबर उसको हम दे दिए। और उसके बाद स्टूडेंट टू को बुलाएं, स्टूडेंट टू इधर आओ,
तुम्हारा नाम ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ले लो, ठीक है। दो स्टूडेंट का लेकर चलते हैं, तो दो स्टूडेंट ले लिया अपना, अपने उसके पास अपना डाटा हो गया, नाम मेरा ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, मतलब आउटपुट लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट को कहेंगे, स्टूडेंट वन को कैसे बुलाएंगे, स्टूडेंट को वन को हम कैसे बुलाएंगे, कुछ इस प्रकार से बुलाएंगे। अगर मान लेते हैं हम नाम बता के उसको हम चले आए, वापस आया गए, अब हमको किसी को बताना है जो हाँ उस स्टूडेंट को स्पेसिफिक, उस स्टूडेंट को हमको यहाँ पर लेके आओ, तो कैसे कहेंगे, CSE ब्रांच का दैट नाम का स्टूडेंट है उसको लेके आओ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मेरा पूरा क्या हो गया, ये मेरा CSE पूरा ब्रांच हो गया, मतलब पूरा ये क्या हो गया, पूरा ब्रांच हो गया। और उस ब्रांच में किस स्टूडेंट को लाओ, S1 स्टूडेंट को लाओ, S1 स्टूडेंट को लाओ, S1 स्टूडेंट को लाओ, तो S1 में जो भी रहेगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे समझने के लिए, तो आप उसके प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे क्लियर हो गया, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा क्या है, पूरा CSE क्लास है, बस यहाँ पे एग्जाम्पल लेते, कोड नहीं करेंगे, CSE पूरा क्या है, क्लास है, ठीक है। इसमें बहुत सारा S1 ऑब्जेक्ट है, S2 ऑब्जेक्ट है, S3 ऑब्जेक्ट है, S4 ऑब्जेक्ट है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। तो S1 ऑब्जेक्ट ये है, जैसे यहाँ पे डब्बा बनाए ना इस प्रकार से, और इसमें बहुत सारा वेरिएबल है। फिर S2 मेरा है, बहुत सारा वेरिएबल है। फिर S3 S4 है, बहुत सारा इसमें वेरिएबल है। अब हम कहेंगे क्या, CSE क्लास में जाओ, CSE क्लास में जाओ, S1 ऑब्जेक्ट के पास, S1 स्टूडेंट के पास जाओ, पहले स्टूडेंट के पास जाओ, CSE क्लास में जाओ, पहले स्टूडेंट के पास जाओ, उसको लेके आओ। तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे क्लास CSE, तो CSE में जाओ, CSE में गए और डॉट पब्लिक मेंबर को किससे, डॉट से, डॉट S1 ऑब्जेक्ट को लाओ, CSE क्लास में जाओ, S1 ऑब्जेक्ट को लाओ, CSE क्लास में जाओ, नेम ऑब्जेक्ट को लाओ, नेम जो भी इसका है वो लाओ। CSE क्लास में यहाँ पे ये क्या हो गया, आप जब ऐसे करिएगा तो ये क्या हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट जब हो गया क्रिएट, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो इसके आप नाम भी जानना पड़ेगा ना, तो इसके नाम के पास जाएंगे, जो भी यहाँ पे डाटा रहेगा उसके नाम के पास जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप रिलेट कर पाएंगे। तो इसको हम क्या कोड में देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर से क्लियर होगा, वहाँ पर हम रन करवा के भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा रिलेट कर पाइएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, कैसे हम क्रिएट करते हैं क्लास, कैसे ऑब्जेक्ट उसका बनाते हैं, ठीक है, कैसे इसमें वैल्यू देते हैं, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है ना, 10% भी हो गया होगा क्लियर, तो आपको आप प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा, वहाँ पे आपको 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रन करके भी दिखाएंगे, वहाँ पे बहुत यहाँ पे कभी कभी हम पब्लिक हटा देंगे, बहुत सारा चेंजिंग करके भी देखेंगे कोड में, तो जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम लैपटॉप में मिलेंगे अगले वीडियो में, वहाँ पे बहुत सारा हम चेंजिंग करके देखेंगे, तो आपको अच्छे से इस पर और ज़्यादा कंसेप्ट ग्रिप बन जाएगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज़।